अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आप कैसे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि अपना वीजा लग चुका है या नहीं लगा, खुद घर बैठे आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो गाइस, ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, इसलिए आए हैं कि यार अक्सर के पास ना 90% लोगों के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता, मोबाइल होता है अवेलेबल। तो मैं इसलिए मोबाइल की स्क्रीन पे आया हूँ। तो जी, उसके बाद हमने करना है ये गूगल ओपन, गूगल क्रोम ओपन करके यहाँ पर सर्च में लिखना है हमने जी इंजाज INJAZIT, इंजाज IT। इसको हमने ऊपर वाला ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जी आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा, ये वाली वेबसाइट जो सामने आ रही है ना आपके, कि जी अरेबिक में लिखा हुआ है वीज़ा मूफा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये हमारा पेज खुल जाएगा, इस तरह का हमारे पास पेज आ चुका है, देख सकते हैं आप। उसके बाद जी हमने करना है यहाँ पर सिंपली ये इंग्लिश, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये जो तीन लाइनें आ रही हैं यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं आप, इसको एग्री कर देना है। ऊपर तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, इसको हमने कर लेना है डेस्कटॉप साइट। ओके हो गया जी। यहाँ पे आपसे मांग रहा है पासपोर्ट नंबर, तो हमने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देना है अपना, जो हमारा पासपोर्ट नंबर है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर अगर गलत दिया तो वो आपके सामने कुछ भी डेटा शो नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी डेटा मांग रहा है ये ओरिजिनल रियल आपको डेटा देना पड़ेगा, जो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि आपका वीज़ा कराची एम्बेसी का है या इस्लामाबाद एम्बेसी का है, ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए। सही है। तो जी ये हमारा पासपोर्ट नंबर हो गया। उसके बाद ये करंट नेशनलिटी मांग रहा है, यहाँ पे हमने करना है पाकिस्तान। अगर लोग मेरी इंडिया से देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे आपने इंडिया अपना सेलेक्ट करना है, तो हम पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। तो आगे पूछ रहा है वीज़ा टाइप, वीज़ा टाइप में हम यहाँ पे वर्क इंटर करेंगे, वर्क ये सेलेक्ट कर लिया हमने। वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी, यही ये जगह है मेन जो आप लोग को कन्फर्म पता होनी चाहिए कि यार हमारा वीज़ा इस्लामाबाद का है या कराची का है। तो जैसे कि हमारा वीज़ा है कराची का, ये ऑप्शन आ गया कराची का, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जी ये इमेज कोड मांग रहा है, इमेज कोड ये वाला, ये हमने इमेज कोड दे दिया। इसके बाद हमने सिंपल ये करना है सर्च, ये सर्च हो गया, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने इस तरह का कुछ खुल जाएगा। अगर आपका वीज़ा लग चुका है तो ये सामने आ जाएगा वीज़ा हैज़ बीन इशू नंबर भी सामने ये देखेंगे आपको मिल जाएगा देखने को। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा होगा तो ये आपको वाइट वाली पट्टी आपके सामने नहीं आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आपका नाम वगैरह आ जाएगा, ऊपर डेट भी आ जाएगी सामने, यहाँ पे देख सकते हैं ये डेट आ जाएगी कि किस डेट को आपका वीज़ा लगा है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी, आप लोग को ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।